नशे की लत और ब्याज पर उठाए हुए पैसों को लेकर युवक ने उठाया बड़ा कदम, नकली पिस्टल लेकर पहुंच गया चोरी करने के इरादे से सराफा बाजार। नरसिंहपुर के अंकित ज्वेलर्स दुकान के मालिक ने आकर कोतवाली में लिखित आवेदन दिया एवं पूरी घटनाक्रम बताए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा एक टीम गठित की एवं आरोपी की पतासाजी के लिए टीम को रवाना किया। मुखबिर से सूचना मिलने पर गादरवारा निवासी विकास ठाकुर को गिरफ्तार किया। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया, मैं चोरी करने के लिए अपने साथ में नकली पिस्टल को लेकर अंकित ज्वेलर्स की दुकान में गया था, लेकिन वहां पर चोरी करने योग्य कोई सामान ना मिलने पर वहां से वापस आ गया था। मैंने अपने साथ नकली पिस्टल इसीलिए रखी थी कि अगर चोरी करते हुए पकड़ा गया तो पिस्टल का भय दिखाकर वहां से भाग सकूं। जो उक्त आरोपी विकास ठाकुर से घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल, एक नकली पिस्टल, एक हेलमेट, एक बैग, एक मोबाइल फोन, गमछा एवं पानी का बोतल जब्त कर कब्जे में पुलिस में लिया गया एवं मामला पंजीवृत करते हुए आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति सराफा नरसिंहपुर में पिस्टल जैसी वस्तु को लेकर घूम रहा है। वस्तुतः हमारे पास सीसीटीवी फुटेज आने के बाद पूरी टीम एक्टिव हुई, 100 से ज़्यादा कैमरे खंगाले गए, मुखबिर से जो है सूचना प्राप्त की, टेक्निकल एविडेंस लिए गए। फाइनली उस आधार पर व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक नकली पिस्टल जो क्लाइटर के तौर पर जो है उपयोग करता है, एक बाइक और बाकी जो भी सामान थे वो जब्त किए गए हैं। कर्ज में होने के कारण जो है उसका चोरी करना उद्देश्य था, अपितु जो है वो लूट भी कारित कर सकता था, कोई भी और ऑफेंसेज वो कर सकता था। फिर भी जो है उसकी गिरफ्तारी की गई है और पैसे के कर्ज के कारण, नशे में लगातार लिप्त होने के कारण जो उसके द्वारा ऐसी घटना की गई। तत्काल कितनी उम्र है और क्या उद्देश्य रहा? बिल्कुल, विकास ठाकुर नाम का व्यक्ति है, लड़का है, 19 साल का है और पैसे की कमी होने के कारण जो है पैसा मुख्य उद्देश्य था, इस तरह से जो है घटना करना और उससे जो है पैसे प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य था। तत्काल जो है उसकी गिरफ्तारी की गई है और आगे कोई भी सराफा जैसी कोई भी इंस्टीट्यूशन में कोई घटना ना हो इसको लेकर के 2 दिवस के अंदर जो है हमारे द्वारा इस केस को क्रैक किया। सर, सोशल मीडिया में एक पोस्ट भी की गई थी पुलिस द्वारा और इनाम की घोषणा भी की गई थी। हाँ, 10,000 रुपये का इनाम घोषणा किया गया था। अभी जो व्यक्ति ने मुखबिरी की है उसको लेकर के भी जो उसको भी जो है हम लोग उचित इनाम जो है प्रदान करेंगे। ठीक है।